एक ऐसी कहानी जिसके ऊपर इंडिया में वर्षों से सभी लोग आज तक यकीन करते हुए आ रहे हैं, और बल्कि इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल छपे हैं। कहानी ये है कि क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद में उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। एक्चुअली दोस्तों ये मामला उभर कर तब आया जब काशी विश्वनाथ बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और जो वहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने जब सफाई की थी तो उनके ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर फूलों की वर्षा करवाई गई थी। तो कई सारे न्यूज एंकर ने मोदी जी और शाहजहां को एक दूसरे का कंपैरिजन करते हुए चीज दिखाई थी कि मोदी जी ने देखो फूलों की वर्षा करवाई है और शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। एक्चुअली में दोस्तों जब बात की गई थी इतिहासकार एस इरफान हबीब से तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं भी इस कहानी को हमेशा सुनते चला आ रहा हूँ और ये एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी बन गई है हम सभी के बीच में, लेकिन आज तक अभी इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे कहा जा सकता है कि हाँ शाहजहां ने वाकई में मजदूरों के हाथ कटवा दिए। रांची यूनिवर्सिटी में 1971 में एक आर्टिकल था जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पब्लिश किया गया था जिसमें कोई सच्चाई का प्रमाण नहीं बताया गया था। इसके बाद में 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारी जो झूठे खबरें थी, झूठे दावे थे, उनको खारिज किया गया था। इसमें से एक दावा ये भी शामिल था कि क्या शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। महज ये एक सिर्फ लोकप्रिय काल्पनिक कहानी थी जो हम सभी के बीच में हमेशा से फैली हुई चली आ रही थी। एक्चुअली में इसके पीछे की जो सच्चाई थी वो ये थी कि शाहजहां ने एक ताजगंज नामक एक विशाल बस्ती बनवाई थी जहां पे उसने उन मजदूर को रखा था और उनकी वहां पे रहने की व्यवस्था कराई थी, जिनके वंशज आज भी वहां रह रहे हैं, कि वो लोग वहीं पे रहें और कहीं दूसरी जगह जाकर के अन्य जगह पे ऐसा कोई महल ना तैयार कर पाए। तो इस वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अगर मजदूर कहीं और गए तो इनसे कोई दूसरी राजा महाराजा और मजदूर देकर के इनसे दूसरा ताजमहल बनवा सकते हैं। तो मैं जी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी जो अभी तक हम सभी के बीच में व्याप्त थी। तो आज के बाद में इस कहानी पे आप विश्वास ना करें। धन्यवाद।